नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के बुलंद हौसले थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन राजधानी दिल्ली से ऐसी कोई ना कोई वारदात सामने आ जाती है जो सबको चौंका के रख देती है। अब हाल ही में राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके से एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसे आप सब देख कर चौंक जाएंगे। सबसे पहले आप उस सीसीटीवी फुटेज पर नजर डालिए। मैं आपको बता दूं कि ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में है और फिलहाल ये फुटेज की जो जांच पड़ताल है मोहन गार्डन थाने की पुलिस कर रही है। लेकिन इस फुटेज को आपने देखा होगा तो यकीनन आप भी चौंक गए होंगे कि किस तरीके से चार बदमाश एक घर के बाहर खड़े होकर लगातार हमला करते नजर आ रहे हैं। पहले वो पत्थर उस घर पर मारते हैं, दरवाजे पर लात मारते हैं, फिर एक बदमाश जाकर घर के पर्दे पर चाकू से हमला करता है और उसके बाद चौथा बदमाश हवाई फायरिंग करता है। अब आखिरकार इन चारों बदमाशों ने ये सब क्यों करा, इसकी छानबीन तो पुलिस कर रही है। ये पूरा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर यकीनन हर कोई चौंक रहा है कि आखिरकार बदमाशी की बर्बरता कितनी ज्यादा पार होती इस वीडियो में नजर आ रही है। सिर्फ एक चीज से हमला नहीं किया जा रहा, सबसे पहले दरवाजे पर लात मारी जाती है, फिर घर के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, फिर एक बदमाश चाकू से हमला करने की कोशिश करता है और फिर चौथा हवाई फायरिंग करता है। आखिरकार ये चार बदमाश ये सब क्यों कर रहे हैं, इस बात का तो खुलासा नहीं हुआ और इस बात का भी अभी तक जानकारी नहीं आई है कि आखिरकार ये घर किसका था। लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है वो ये है कि ये पूरी सीसीटीवी फुटेज 12 जनवरी की रात 12 बजे के आसपास की है जब इन चारों बदमाशों ने एक घर पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी है कि आखिरकार ये बदमाश फरार कहां है। अभी तक पुलिस को इन बदमाशों की कुछ भी खबर नहीं सामने आई, लेकिन जो भी ये वीडियो है काफी ज्यादा चौंका देने वाली है कि किस तरीके से उन चार बदमाशों ने बेखौफ होकर रात के 12 बजे एक घर पर इस तरीके से हमला कर दिया। अब ये पूरी वीडियो सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ दिल्ली पुलिस द्वारा इंतजाम किए गए हैं। क्या मोहन गार्डन इलाके में दिल्ली पुलिस द्वारा रात के समय पेट्रोलिंग नहीं की जाती होगी, जो बदमाशों के अंदर इतने हौसले आ गए कि रात के 12 बजे घर के बाहर वो जा रहे हैं, इस तरीके से हमला कर रहे हैं। आखिरकार उस घर में कोई था या नहीं, इस बात का भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जो भी ये सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आई है काफी ज्यादा चौंका देने वाली है और राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली अब रहने के लिए एक सुरक्षित जगह रह भी गई है या नहीं। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप उस सीसीटीवी फुटेज पर अपनी नजर डालिए। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी के साथ तेज तर्रार के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।